हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज आयुष एंड XUV 300 डीजल जो है अपनी वो 30,000 किलोमीटर चल चुकी है। कितना खर्चा आया है, क्या कुछ एवरेज इसका निकला है ऑन एन एवरेज, मतलब कि कंप्लीट 30,000 किलोमीटर चलाई है तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। बाहर बहुत ज़्यादा शोर है, अंदर चल के बात करते हैं। तो बाहर में इंट्रो देने की कोशिश कर रहा था बट एक्चुअल में इशू ये आ रहा था कि बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। यहाँ पर जो है अपनी XUV 300 ने जो है क्लॉक कर लिए हैं 30,000 किलोमीटर ऑडोमीटर्स पे। तो अब इस ऑडोमीटर पे 30,000 किलोमीटर जो क्लॉक कर रहे हैं उसमें से थोड़ी मैंने चलाई है और डेफिनेटली जो है बाकी मेरे भैया ड्राइव करते हैं। तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, मेन जो है एवरेज कितना इस गाड़ी का निकला है, कितना निकलता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आती है, क्या कुछ प्रॉब्लम है या क्या कुछ कमियाँ हैं इस गाड़ी में, उन सभी के बारे में बात करते हैं ताकि अगर आप इस गाड़ी को परचेस करने वाले हो तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये कमियाँ इस गाड़ी में हैं और ये अच्छाइयाँ इस गाड़ी के अंदर है। तो सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, मेरा छोटा भाई है लक्की लक्ष नकली तो ये मेरा छोटा भाई है और इसको जो है ये गाड़ी नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है तू ही बता दे, तू ही बोल रहा था अभी कि मेरे को नहीं पसंद है। जब अपन गियर चेंज करते हैं तो वो उसमें चेंजेस हो जाते हैं एसी के अंदर, सेटिंग खराब हो जाती है। तो लुक्स के ऊपर जा रहा है, वारे वाह तो क्या मतलब लुक्स अच्छे हैं तो वाली गाड़ी पसंद है, मतलब कुछ और पर्टिकुलर ऐसी चीज तो होनी चाहिए ना कि जिसकी वजह से हाँ ये सेडान अच्छी लगती है और एसयूवीज अच्छी नहीं लगती, सिर्फ लुक्स की वजह से। ओके तो हाँ ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। ओके तो तू कौन सी लेगा फिर, सेडान लेगा या एसयूवी लेगा? उस समय पर कौन सी ज्यादा अच्छी होगी वो। चलो ठीक है, तो जब ये लेगा तब अपन बात करेंगे इसकी गाड़ी के। बाकी अभी फिलहाल इस गाड़ी की बात कर लेते हैं। तो सीन अभी ये है कि सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं इस गाड़ी से रिलेटेड वो है इसके माइलेज से रिलेटेड, कि माइलेज ये कितना दे देती है। ऑन एन एवरेज अगर आप लेके चलेंगे 18-20 KMPL का माइलेज जो है वो आप इससे निकाल पाएंगे 18-20 किलोमीटर पर लीटर का। बाकी अगर आप बहुत अच्छी ड्राइविंग आपकी स्किल्स हैं और आप अगर एक इकोनॉमिक स्पीड पर चलाते हैं गाड़ी को तो इससे आप 22-23 KMPL के आसपास का जो है माइलेज निकाल पाएंगे, जो कि इसके राइवल्स हैं जैसे कि Hyundai Venue या Sonet वगैरह, उसमें डीजल में माइलेज काफ़ी अच्छा आ जाता है। लाइक कस्टमर ने निकाला है 25-26-27 तक का जो है माइलेज निकाला है, तो माइलेज के मामले में थोड़ी सी कम है बट चलाने के मामले में उनसे कई ज़्यादा गुना ज़्यादा अच्छी है। लाइक आप पिकअप देख लो, इसके अंदर 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क है जो कि इसके अबाव सेगमेंट में भी कोई गाड़ी ऑफर नहीं कर रही है, तो वो सारी बातें आ जाती है। लाइक क्रेटा में इतना नहीं मिलता है, सेल्टोस में भी इतना टॉर्क आपको नहीं मिल पाता है, तो वो एक बात है। चलाने का इसका एक अपना अलग मज़ा है। तो ऑन एन एवरेज जो है आप ये समझ के चलेंगे जब आप इस गाड़ी को अगर लेंगे तो आपको जो माइलेज है वो 18-20 किलोमीटर पर लीटर के आसपास मिलने वाला है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत सारे लोग बोलते हैं महिंद्रा की ज़्यादा होती है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई क्योंकि जितनी भी बार इसको सर्विस करवाने लेके गए हैं वो मैं ही लेके गए हूँ और मैंने वो अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करा है। सारी वीडियोज़ यहाँ डाली है, एक एक बिल के साथ में आपको बनाई है। 1,000, 1,500, 1,800 रुपये जो है मुझसे उन्होंने लिए हैं। पिछली सर्विस जो 20,000 वाली हुई थी वो 900 रुपये में करवा के लाया था, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी कम मेंटेनेंस कॉस्ट पर महिंद्रा कैसे गाड़ी जो है वो ऑपरेट करवा देता है। और इसके राइवल्स में अगर आप जिनकी भी बात कर लें सबकी मेंटेनेंस कॉस्ट इससे ज़्यादा है, तो ये चीज़ पता नहीं थी। लेने के बाद में पता चली कि डेफिनेटली जो महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट कॉस्ट पर रन करती है। दूसरी गाड़ियों का तो नहीं पता बट XUV 300 जो है वो डेफिनेटली काफ़ी कम कॉस्ट पर ऑपरेट कर जाती है। मेंटेनेंस वाइज आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। 30,000 किलोमीटर चल गई है। अभी हमने जाते जाते जो है महिंद्रा का शोरूम रास्ते में था तो एक अपॉइंटमेंट बुक करवा लिया सर्विसिंग का, तो परसों जो है मुझे आना है इसको सर्विसिंग पे लेके। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि इसके अंदर थोड़े बहुत जो पार्ट्स वगैरह या जो कूलेंट लिक्विड जो भी होते हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है, तो शायद आपका बिल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। अब कितना ज़्यादा बनेगा वो तो जब वहाँ पर सर्विस पे लेके जाएंगे, सर्विसिंग से लेके आएंगे और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा डेफिनेटली, तो पता चल जाएगा। बाकी अभी तक जितनी भी सर्विस हुई है वो 2,000 से अंदर अंदर में ही हुई है, चाहे आप 1,000 किलोमीटर के ले लो, 5,000 के ले लो, 10,000 के ले लो या 20,000 के ले लो। 1,000 वाले में तो नॉर्मल चेकअप होता है, 1 रुपये भी नहीं लगे थे, तो वो सारी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट अगर बात करूँ इस गाड़ी के अंदर कुछ इश्यूज जो हैं वो फेस करें, जैसे कि इसके डैशबोर्ड में एक रटलिंग साउंड आता है, वो साउंड महिंद्रा वाले सॉल्व नहीं कर पाए। इस बार उन्होंने कहा कि आपको 100% सॉल्व करके देंगे, वो देते हैं या नहीं देते हैं वो सर्विस की वाली वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगी। इसका जो बूट लीड है वो एक बार में प्रॉपरली बंद बहुत कम होता है, लाइक अब आदत पड़ गई तो हमसे हो जाता है बट अगर कोई फर्स्ट टाइम इसको बूट को क्लोज कर रहा है तो उससे शायद जो है प्रोबेबिलिटी रहती है 70% वो सिंगल टाइम में जो है वो बंद नहीं होता है, उस टाइप से उसको थ्रो करना पड़ता है प्रॉपर। तो ज़्यादा
गद्दे की जगह लगा दो तो भी वो बंद नहीं होता है, कम स्पीड पे लगा दो तो भी वो बंद नहीं होता है। तो ये एक प्रॉब्लम जो है महिंद्रा को सॉल्व करनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसके अंदर प्रॉब्लम है वो इसकी प्रॉब्लम जो है कि हाँ सीधे चल रहे हैं बट इधर से टर्न लेके चलते हैं बंद क्योंकि लिए उधर की तरफ जाना है अपने को। नेक्स्ट जो इसके अंदर प्रॉब्लम फेस करी है वो है इसकी जो हेडलाइट है वो इतनी अच्छी विजिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है। आपको मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के बताई है, मैंने इसके अंदर जो है फॉग लैम्प भी डलवाए थे भैया ने जब ये गाड़ी ली थी तब, तो और ज़्यादा अच्छी जो है इसके हेडलैम्प हो सकते थे मुझे ऐसा लगता है, या इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियाँ उनमें हेडलैम्प जो है वो थोड़े से ज़्यादा अच्छे आते हैं। 100 की स्पीड तक आपके पास में कॉन्फिडेंस जो है वो रहता है, उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ होने लग जाता है। तो ये एक इसका जो है ड्रॉबैक है कि आपको हेडलैम्प जो है वो अपग्रेड करवाने पड़ेंगे अगर आप फास्ट स्पीड पर ट्रैवल करते हैं और रात में ही ज़्यादा आपको चलना होता है तो। बाकी और कोई कमी जो है मुझे इस गाड़ी के अंदर लगी नहीं। ऐसी सीटिंग स्पेस जो है बहुत ही बढ़िया है, लाइक आगे 2 जने आराम से बैठ जाते हैं, पीछे 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं। बट हाँ उसका जो 5 लोगों को अगर बाहर जाना है तो सामान लेके जाने में दिक्कत आई थी गुजरात वाले ट्रिप पे, मैंने स्टोरीज में आप लोगों को बताया भी था, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं तो कनेक्ट हो जाएं। हम लोग गए थे, एक होंडा सिटी थी, एक ये वाली गाड़ी थी, एक XUV 500 थी और वरना थी, तो ऑलमोस्ट सामान जो है वरना और होंडा सिटी में रखना पड़ा था। 500 में तो बिल्कुल बूट स्पेस नहीं है, 300 में थोड़ा सा है, तो बस वो सीन हुआ था। गाड़ी को जो है अभी मेरे सामने टो करके लेके जा रहे हैं, टू व्हीलर को टू व्हीलर से, और सामने आके कोई खड़ा हो गया, तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए यार, बुझ गई थोड़ी सी। तो ये सारा एक्सपीरियंस जो है वो हुआ है XUV 300 से रिलेटेड। आई थिंक आप लोगों को ये जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट लगी होगी जिन लोगों को गाड़ी लेनी है। दैट्स ऑल, माइलेज मैंने बता दिया, मेंटेनेंस कॉस्ट आप लोगों को बता दिए, बाकी चलाने वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैंडलिंग जो है वो गाड़ी की बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, ब्रेकिंग स्टेबिलिटी वगैरह जो है वो तो मैंने गाड़ी लेने के पहले ही रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिए थे, और बाकी इस जो अपनी गाड़ी से रिलेटेड जो एक्सेसरीज वगैरह जो भी डलवाई करी हैं उन सभी की वीडियोस आप लोगों को यहाँ पर आई बटन पे जो है मिल जाएगी। यहाँ यहाँ कहीं बटन आ रहा होगा तो आप देख लें, उधर से लेंगे ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी या पता चल गया होगा कि क्या एक्सपीरियंस जो है वो गाड़ी से रिलेटेड रहा है। आई थिंक अब आप लोगों को और कुछ डाउट नहीं होगा, और अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे एक दो वीडियो और आने वाली है, जैसे कि कल मैं इंदौर लेके जाऊंगा इस गाड़ी को और साउंड सिस्टम जो है वो अपडेट करवाऊंगा। नेक्स्ट इसकी सर्विसिंग से रिलेटेड वीडियो आएगी तो उसमें मैं कवर कर दूंगा। आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो जो भी इस गाड़ी से रिलेटेड आप जानना चाहते हो XUV 300 रिलेटेड। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हाफ फ्रेंड्स ड्राइव सेफ, बाय तो बोल दे यार।